नमस्कार, वेलकम टू द एग्जाम मास्टर चैनल। सुबह सुबह शिक्षा जगत समाचार 13 अक्टूबर की प्रमुख खबरों में हम यहां पर बात करेंगे शिक्षा जगत समाचार विद्यार्थियों से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट खबरें होती हैं उनके बारे में सुबह सुबह आपको जानकारी दी जाती है। तो आजकल शिक्षा जगत में क्या चल रहा है, कल 31,661 वाली जो लिस्ट थी वो अपलोड कर दी गई है और इस लिस्ट में आप देखेंगे कि बहुत सारे हाई मेरिट वालों का नहीं हुआ, लो मेरिट वालों का हो गया है। कैसे क्या गुणागणित बना और ये लिस्ट कैसे बनाई गई, जिसका नहीं हुआ वो क्या करे, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कब तक आएगा, ऑर्डर का इंतज़ार क्यों नहीं किया गया, ये बहुत सारी बातें। तो सबसे पहले देखिए, ज़्यादा मेरिट वाले बाहर और कम वाले चयनित। परिषदीय विद्यालयों के लिए 31,277 सहायक अध्यापकों के जिला आवंटन सूची में आधे से अधिक चयनित अभ्यर्थियों को हाथ निराशा लगी है। अब देखो, चयनित अभ्यर्थियों में बात करें तो सबका तो होने वाला था नहीं 31,000 में, कुछ को तो बाहर होना ही था। अब बाहर होने वाले विद्यार्थी कौन है, लो मेरिट हाई मेरिट, फ़र्क इससे पड़ता है ना। जिला आवंटन सूची में ज़्यादा पद वाले जिलों में जहां कम मेरिट वाले अभ्यर्थी चुन लिए गए हैं, तो कम पद वाले जिलों में ज़्यादा मेरिट के बाद भी बड़ी संख्या में चयनित अभ्यर्थी बाहर हैं। प्रतापगढ़ में ज़्यादा मेरिट के बाद भी पूर्व में चयनित अभ्यर्थी जहाँ बाहर हो गए, उससे कम मेरिट के बाद भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अधिक जो है अन्य अधिक पदे वालों में जिले में चयनित हो गए। अब मैंने आपसे बताया था कि इन्होंने लगभग 15,000 के आसपास सीटें जो हैं वो जनरल कर दी हैं और जो टॉपर्स थे जिन्होंने ज़्यादा जिलों में अप्लाई किया था, ऊपर से 15,000 जो जनरल सीटें हैं ओवरलैपिंग मिला करके सारे वर्ग के, उनका सिलेक्शन इन्होंने जो है वो कर दिया है, ठीक है। तो उसी हिसाब से जो है ये मेरिट बनी है मेरिट लिस्ट और उसी हिसाब से इस पर एग्जीक्यूशन हुआ है। तो अब अगर इस पर कोई सवाल उठाता है तो भाई इस चीज़ को वो ज़रूर समझ ले कि सीटों को जनरल और उनकी कैटेगरी वाइज करके तब भरा गया है, ठीक है। अब मनचाहा जिला देने में भरी सीटें, कई पद खाली। बेसिक शिक्षा परिषद ने 31,277 पदों की चयन सूची में अभ्यर्थियों के आवंटित जिले में बदलाव नहीं किया। 67,867 पदों की सूची में जिस अभ्यर्थी को जो जिला आवंटित हुआ था उन्हें इस बार पद कम होने पर भी उसी जिला भेज दिया है। मनचाहे जिलों का आवंटन करने में प्रदेश के जिले के 3 जिलों में सीटें भर गई हैं, तो कई ऐसे जिले हैं जहाँ अधिकांश सीटें खाली हैं, मतलब आधे से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उनके लिए जिन लोगों ने आवेदन किया था वो 31,661 पदों के लायक नहीं थे, मतलब उसके नीचे आते थे क्राइटेरिया में, ठीक है। और इस क्राइटेरिया में जो आते थे उन्हें मनचाहा जिला मिला, तो इसलिए कई कई जिलों की सीटें फुल हो गई और कई जिलों की सीटें खाली रह गई, है ना। तो कुल मिलाकर के बात जो है वो यही थी। यहाँ पर देखिए, 16 तारीख को इसका नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। 31,277 शिक्षकों की जो सूची आई है, तो आज 13 अक्टूबर है, 14-15 नहीं, 16 को इन लोगों को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। और चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी, काउंसलिंग 14 और 15 यानी कल और परसों से काउंसलिंग करवा सकते हैं ये लोग। 15,933 अनरिजर्व्ड, 8,513 OBC, 6,615 SC और 216 ST श्रेणी के अभ्यर्थी का चयन हो गया है। तो अब समझ लो कि इसी तरह से जो लिस्ट है वो बनी है। अब इनमें 15,933 जो अनरिजर्व्ड है ये टॉप रैंकर्स हैं जिन्होंने जो मनचाहा जिला भरा था उनको वो उस जिले में नियुक्ति मिल गई है, इसीलिए उन जिलों की सीटें भर गई हैं मनचाहे जिलों की जिसमें टॉप रैंकर्स ने आवेदन किया था। लेकिन वहीं पर मैं बता दूं कि इनसे थोड़ा लो मेरिट रखने वाले लोग जो है वो बाहर भी हो गए हैं, ठीक है। तो कुल मिला करके आप देखिए, बहुत सारी बेसिक शिक्षा अधिकारी शामली, अलीगढ़ और जालौन, मतलब अलग अलग से विज्ञप्ति जो है वो आ चुकी है काउंसलिंग की। तो काउंसलिंग के लिए भैया जो है आप लोग पहुंच जाइएगा टाइम से। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि जिसका नहीं हुआ उसके लिए क्या ऑप्शन है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, ये बहुत बड़ी चीज़ है जिसकी वजह से अभी तक ये पूरी भर्ती रुकी हुई है लगभग 6 महीने से। और अब सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर, 6 नहीं, जुलाई से अगर मान लें तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4th महीना है, ऑर्डर अगर खुल जाता है। अब ऑर्डर में देखने वाली बात ये होगी कि ऑर्डर में आता क्या है, 40-45 या 60-65 या ओनली 40-45 फॉर शिक्षा मित्र, बाकी के लिए 60-65, अब पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो लेट्स वेट एंड वॉच। आप लोगों को क्या लगता है
लिस्ट सही है, आर यू सेटिस्फाइड, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या आ सकता है, इन दो चीज़ों पर टिप्पणियाँ करें और बताएं हमें कि आपकी राय क्या है, फिर देखते हैं कि आगे किस हिसाब से क्या करना है। थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें।